है, यानी माला जपते समय भगवान शिवनारायण के चरणों में मन की एकाग्रता पूरी नहीं बन पाती है, एकाग्रता मन की बने इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? ऐसा है, दृष्टांत तो स्वयं चुन लेना चाहिए। जो वस्तु बहुत प्यारी हो उसका चिंतन रागता प्राप्त होता है। नोटों के बंडल, हीरे जवाहरात आदि में किसी की महत्व बुद्धि है, उनको देखते उनका चिंतन करते या गिनते समय चित्त बिल्कुल एकाग्र रहता है। दही वाला क्या बोलते हैं, दही भरा बाटी चोखा राजमा पूरन पूरी श्रीखंड, जिसको जो भोजन प्रिय है उस भोजन का नाम लेने पर भी उसका चित्त एकाग्र हो जाता है, भोजन करते समय तनिक भी चंचलता का परिचय नहीं देता। किसी भ्रमर को जब अभीष्ट पराग मकरंद से युक्त पुष्प की प्राप्ति हो जाती है तो वह भ्रमर तनिक भी संक्रमणशीलता या चंचलता का परिचय नहीं देता। तो भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहा गया है, अभ्यासा भ्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अभ्यास की परिपक्वता से भगवत भजन में रस की निष्पत्ति होती है। जब रस की निष्पत्ति होती है तो भगवत भजन का रसिक मन बन जाता है। आरंभ में, क्योंकि करोड़ों कल्पों से अनादि काल से अनात्म वस्तुओं में हमने मन को रमा रखा है, अतः भजन के समय मन में सन्निहित जो संस्कार हैं उद्बुद्ध होकर मन को चंचल कर देते हैं। एक विचित्र बात है, भजन के समय मन की चंचलता सफलता की प्रथम कड़ी है, सफलता का प्रथम सोपान है। महाभारत भीष्म पर्व के अनुसार कल्पना कीजिए कि कोई आपका घर है, 2 वर्ष बाद आपने उसको खोलकर उसमें झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ किया, जमी हुई धूल तो उड़ेगी या नहीं, लेकिन वह सफलता है या असफलता? अगर जमी ना होती धूल तो उड़ती क्यों? लेकिन धूल को बाहर करने की एक विधा है, पहले झाड़ू का उपयोग न करके पानी लुढ़का दीजिए, फिर नारियल आदि के मजबूत झाड़ू से उसको बहाने का प्रयास कीजिए तो धूल आँख को विकृत नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके बाद भी धूल के धब्बे सीमेंटेड भूमि पर पत्थर पर आपको दिखाई पड़ेंगे। फिर धीरे धीरे नारियल की रस्सी आदि से सर्फ आदि का भी योग करके बहुत घर्षण करने पर वो धब्बे दूर होंगे। फिर आप नियम बनाइए कि 24 घंटे में 5 बार उस कक्ष में झाड़ू पोछा लगें तो धूल नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से जब व्यक्ति ध्यान करने बैठता है तो जन्म जन्मांतरों के जो जमे हुए संस्कार हैं वो उभर आते हैं, व्यक्ति घबरा जाता है, लेकिन सफलता का प्रथम चरण यह है। उमा राम स्वभाव जय जाना ताई भजन तज भावना आना। भगवान के स्वभाव का ज्यों ज्यों बोध और प्रभाव चित्त में अभिव्यक्त होता है त्यों त्यों भजन में मन प्रगाढ़ लगता जाता है। भजन में मन लगने का प्रथम पक्ष यह है कि भगवान ही कमनीय वर्णीय भजनीय हैं, वे ही एकमात्र सम और निर्दोष हैं, बाकी जितनी चीज़ें हैं विषम हैं सदोष हैं। तो वर्ण करने योग्य भगवान ही हैं। रसो वैसा भगवान रस स्वरूप हैं, उनका नाम भी रस रूप है, उनके रूप उनकी लीला उनका धाम सब कुछ रस रूप है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम,
थोड़ा सा अभ्यास करते करते रस स्वरूप परमात्मा में रसात्मिका प्रेमा भक्ति का उदय होता है। पहले वैधि भक्ति का आलम्बन लें, अभ्यास करते करते धैर्यपूर्वक, फिर जब भजनानंद का रसिक मन हो जाता है तो तनिक भी संक्रमणशीलता या चंचलता का परिचय नहीं देता। और